नहीं हुआ प्लेसमेंट मेरा, 65% मांग रहे ये लोग। आजा बेटा, कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस सब ठीक, ले रहे हैं। क्या है पापा? वो अभी तो खेत गए हैं, तू काफी लंबा सफर करके आया होगा, तू नहा ले, तब तक वो आ जाएंगे। तो पापा मैं ऐसा बोल रहा था कि मेरे पास एक आइडिया है, उससे क्या होगा ना, आपका भी इस बार नुकसान हुआ है बिजनेस में, मेरे पास भी नौकरी नहीं है, हमारे गांव में ऐसे और भी लोग होंगे जिनके पास नौकरी वगैरह नहीं होगी, तो हम सबको साथ में लेके ना ऐसा कर सकते कि हमारे बिजनेस में, आपके पास देखो किसान खेती बाड़ी का आपको इतना सालों का तजुर्बा है, अभी अभी मैं पढ़ के आया तो मुझे पता है लोगों से कैसे काम लेना है, कैसे उनको काम करवाना है और कैसे हमारी चीज़ें बाहर निकालनी है, ठीक है? तो हम लोग अगर साथ में काम करते हैं तो शायद हमारा कुछ हो जाए अच्छा। हाँ वो सब तो ठीक है, पर नहीं पापा, बात सुनो ना आप मेरी। तो ये हमारा जो गजोधर चाचा है अभी, वो क्या करते हैं? वो तो देहाती मजदूर है। हाँ पर ऐसे और कितने होंगे हमारे यहाँ पे? ऐसे तो गजोधर है, जीवन है, प्रकाश है, हाँ अनिल है, ऐसे पाँच छः होंगे, पाँच छः। हाँ कुल मिला के पाँच छः ही होंगे। चलो गिन लेते हैं, पाँच छः की जगह सात या आठ भी हो गए, तो वो आठ लोग हैं, आप है, मैं हूँ, ऐसे मिला के हम टोटल 10-12 लोग हो रहे हैं, ठीक है? हाँ। अब 10-12 लोग जब एक साथ मिलके अलग अलग काम कर रहे हो तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, जब हम एक साथ मिलके कुछ करेंगे तो सबके हाथ में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सा आएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप कल सुबह सबको बुला लीजिए ना, तो सबसे बात कर लेते हैं, सबको बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक ठीक है बच्चों, बुला लेते हैं, बात करते हैं सबसे। काहे बुलाया हमको यहाँ? अरे हम सबके भले के लिए ही बुलाए हैं। अरे हम तो सारा काम धाम छोड़ के यहीं बैठे हैं। अरे बता रहा है बिटुआ, बताइए बता बिटुआ। तो हम सोच रहे थे कि हम भी अब बापू की खेती बाड़ी में मदद करते हैं, हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो इन सब के ऊपर बहुत कढ़ाई किए हुए हैं, तो मैं उनको बुला रहा हूँ, उन्हें बुलाया था, मैंने बात की थी, वो बस आते ही होंगे अब थोड़े टाइम में, कि वो आके आपको सिखाएंगे कि इससे क्या होगा कि आपको अपने गांव में रहकर ही काम करने को मिल जाएगा और वो बहुत सारी नई चीज़ें सिखाने वाले हैं। वो बात तो सही है बेटा, लेकिन हम तो हर रोज़ कमाने वाले हैं। हाँ तो जो आप बाहर कमाते हो ना उतना आप तो हमसे ले लेना, हमारे खेती बाड़ी के ऊपर से जो फसल निकलेगी अभी स्टार्ट जो शुरुआत का भाग होगा, मे बी उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, बट आप जब चढ़ोगे इधर एक महीने दो महीने तीन महीने उसके बाद जब हमारी फसल निकलेगी तब आपको उसमें से भी आपको अगर जो लग रहा है कि पहले आपको कम मिला था तब तब ले लीजिएगा उसमें से, और आपको आप दूसरे गाँव में जाओगे, आप दूसरे गाँव में जाओगे उन्हें खेत में काम करोगे, आपका जाने आने का एक तो समय बच जाएगा, उतना समय आप आराम कीजिए घर पर, आप अपने ही गांव में हुआ कुछ हुआ करा तो आप कभी भी अपने घर जा सकते हो, वहाँ से आप वापस घर आओगे, आपको बहुत सारे फायदे होंगे, आप सुन लीजिए बस एक बार, वो लोग आ रहे हो आपसे जो बोल रहे हैं, ठीक? उसके बाद अगर आपको सही लगे कि मैं सही बता रहा हूँ तो आप बताइएगा, हमें हम आगे करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? क्या बोलते हो सभी? सही है, तो उन्हें बुलाया हुआ है, मेरे पास अभी आते ही होंगे।
लोग आ गए हैं, बस बाहर गेट पे ये मैं लेके आया उन्हें। आ गए वो लोग, ये आ रहे हैं दोनों ट्रेनर है हमारे, ये आपको सिखाएंगे किस तरह से नया खेती करना है। राम राम, ठीक है। और वो बैठे हुए मेरे बापू है पीछे, ये सभी जाने तो ये दोनों आ चुके हैं, तो ध्यान से सुनिए ये लोग क्या बता रहे हैं आपको। ये जैसा सिखाएंगे वैसे ही हम करेंगे आगे, सही बात है? ठीक है, बता दीजिए आप।